काम करने का तरीका बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको फ्रेश एलोवेरा चाहिए। आपके पास रेडीमेड है बाजार की, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेस्ट है कि आपके पास फ्रेश ही हो। एक पीस आपने ले लेना है, उसका जेल थोड़ा सा आपने निकाल लेना है। ये सबसे इजी इसलिए कि इस तरीके से आपको जेल को जो है वो ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, उसके पीसेस काटना वो मुश्किल है। थोड़ी सी एक चम्मच के बराबर आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है। अगर आपके पास बाजार की है तो वो भी एक चम्मच ले लेना। ये एक चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल है, इसमें आपने अब शामिल करना है आधा टीस्पून या एक चौथाई टीस्पून हल्दी का। उसके बाद इसमें आपने मिलाना है सैंडलवुड पाउडर, बाजार से पाउडर की शक्ल में भी मिल जाता है, ये मैंने खुद ग्राइंड किया है तो आप ये देख सकते हैं। इसको स्क्रबिंग के लिए बेहतरीन चीज है, आपके पास कोई भी हो आप इसमें आधा चम्मच या एक चम्मच शामिल कर दें। उसके बाद एक ही चम्मच इसमें आपने मिलाना है रोज वाटर यानी कि गुलाब का रस, और बाद में इसमें आपने लास्ट में मिलाना है आधे नींबू का रस। तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रोजाना मेरे चैनल पे न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, उसके साथ बेल का जो आइकन बनेगा उस पर भी क्लिक करें। इस तरह से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और रोजाना जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास ऑटोमेटिकली इसका मैसेज आ जाएगा और आप न्यू वीडियो देख सकेंगे। तो जो पहले की फ्रेंड्स हैं उन्होंने बेल आइकॉन को चेक कर लें, इसी वजह से आपको इसका नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं मिल पाता, तो आप बेल आइकॉन को दोबारा से चेक करें। फाइनली ये पेस्ट रेडी है। अब आपने इसे अपने चेहरे पे, हाथों पे अच्छी तरह से या पाव पे अप्लाई कर लेना है। 5 मिनट के लिए आप अपने चेहरे पे इसका हल्के हाथ से मसाज करें। उसके बाद जो है वो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए। 5 मिनट मसाज करने के बाद 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। देखिए 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, जो एलोवेरा जेल का टुकड़ा आपके पास पड़ा हुआ है पीस, उसकी मदद से आपने अपनी स्किन पर इसको रब करना है। इस तरीके से आपने मेरी के मुताबिक 1 या 2 मिनट अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर इसका मसाज करना है। इससे आपकी स्किन को बहुत अच्छा जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी, आपकी स्किन जो ड्राई हो जाती है बहुत खुश्क और बेरौनक सी हो जाती है, तो बहुत अच्छी सॉफ्ट और नरम मुलायम एक ही दफा के इस्तेमाल से हो जाएगी। 1 मिनट तक मुसलसल आप अपने चेहरे पर इसका मसाज करें और इसी 1 मिनट के अंदर आप जो है वो रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा। देखें आपके इतने लेफ्ट हैंड पे फर्क देखिए, राइट हैंड पे भी देने के बाद आपको फर्क यहीं पे नजर आ गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 मिनट 1-2 मिनट के मसाज के बाद आपने अपने चेहरे को वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद एक स्टेप और है, आंखों को वॉश कर लेने के बाद आप इस पर सूथिंग लोशन जो है वो अप्लाई करें। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी विंटर में आप लोशन इस्तेमाल कर रही हैं वो लाजमी अपने चेहरे पर और हाथों पर अप्लाई करें। उससे 1 मिनट अच्छी तरह से अपने हाथ पे मसाज करें, सिर्फ लगाना नहीं है, ताकि आपकी स्किन के अंदर वो जज्ब हो जाए और फाइनली ये जज्ब हो जाएगा लोशन स्किन के अंदर और आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम और साफ सुथरी हो जाएगी। वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है, इसके साथ ही आप हमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप सबको इसका मेथड पता है, वीडियो के नीचे शेयर का बटन आ रहा है, स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, इस पे क्लिक करें और उसके बाद जहां भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर, गूगल क्लास, जहां भी है वहां क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को वीडियो का लिंक भेज दीजिए, ताकि वो भी विंटर में इस तरह के मसाले सबके साथ पेश आते हैं तो अपनी ड्राई स्किन का बहुत आसानी से इलाज कर सके। इसका बहुत अच्छा आपको इंशाल्लाह ताला रिजल्ट मिलेगा। और इसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।